नमस्कार दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ विवेक यात्रा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद से जुड़े तमाम वो तथ्य जिसे आप जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, इंतज़ार न करें, मैं अब कुछ ही पलों में शुरू करने जा रहा हूँ विवेक यात्रा। ये पूरा का पूरा वर्जन ऑडियो होगा दोस्तों, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद की जन्म दिनांक व वर्ष बताइए। 12 जनवरी 1863 ईस्वी। अगर आपको पता है दोस्तों तो अच्छा बात है, कमेंट अवश्य करें। स्वामी विवेकानंद के जन्म को उनकी माँ किस देवता का अनुग्रह मानती थी? उत्तर है दोस्तों, काशी के वीरेश्वर शिव का। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस दिन हुआ था? सोमवार को। स्वामी विवेकानंद को बचपन में घर में किस संक्षिप्त नाम से बुलाते थे? बिल्ले। विद्यालय में स्वामी विवेकानंद का क्या नाम लिखा गया था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के पूर्वजों का मूल निवास पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के किस ग्राम में था? टेरेटोना। स्वामी विवेकानंद के उन पूर्वजों का नाम क्या था जो सर्वप्रथम कोलकाता में बसे? श्री राम निधि दत्त। विवेकानंद जी के जन्म के समय उनका परिवार किस मोहल्ले में रहता था? सिमुलिया या शिमला। जिस घर में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ वह उनके परदादा ने बनवाया था, उनका नाम बताइए। श्री राम मोहन दत्त। स्वामी विवेकानंद जी के पैतृक घर में दुर्गा पूजा के पूर्व देवी को जगाने के निमित्त बने कक्ष को किस नाम से पुकारते थे? बोधन घर। स्वामी विवेकानंद के एक पूर्वज श्री दुर्गा प्रसाद ने 20-22 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था, ये स्वामी जी के रिश्ते में क्या लगते थे? दादाजी। श्री दुर्गा प्रसाद दत्त की पत्नी श्यामा सुंदरी अत्यंत विदुषी थी। उन्होंने एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम क्या था? गंगा भक्ति तरंगनी। स्वामी विवेकानंद के पिताजी का क्या नाम था? श्री विश्वनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद की माताजी का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। नौका से शिशु विश्वनाथ के गिरने पर बिना तैरना जाने भी माता नदी में कूद पड़ी और शिशु का हाथ पकड़े जलधारा में बहने लगी। इसे देख नाव में सवार कविराज ने माता श्यामा सुंदरी के बाल पकड़ तैरते हुए साहस के साथ दोनों को बचा लिया। उन कविराज का नाम बताइए। कविराज उमापद गुप्त।
स्वामी विवेकानंद के नाना जी का नाम क्या था? नंदलाल बसु। स्वामी विवेकानंद के पिताजी द्वारा लिखित दो पुस्तकों के नाम बताइए। सुलोचना तथा शिष्टाचार पद्धति। स्वामी जी के पिताजी ने आशुतोष घर के साथ घर और दत्त नाम से किस कार्य के लिए कार्यालय खोला था? अटॉर्नी का काम। स्वामी जी के पिताजी ने बाल विधवाओं के पुनर्विवाह की विधि का समर्थन किया था। यह विधि किसने प्रवर्तित की थी? विद्यासागर जी ने। स्वामी जी के पिताजी के पुस्तकालय में बराट उपाधिधारी किसी लेखक का अनुदित ग्रंथ प्राप्त हुआ। उस ग्रंथ का नाम बताइए। श्रीमद् भागवत गीता। कभी ब्रह्म भाव से प्रभावित स्वामी विवेकानंद ने निरामिष भोजन करना शुरू कर दिया। तब यह बात किसने कही? उसके 14 पुरखे घोंघे सेवार खाते आए हैं और अभी वह ब्रह्म दैत्य बना है, मछली नहीं खाएगा। विश्वनाथ दत्त ने। किसी का भी कष्ट देखने पर वे व्यथित होकर बिना किसी संकोच के सहायता करते थे, इसलिए मोहल्ले के लोग विश्वनाथ दत्त को क्या कहते थे? दाता विश्वनाथ। विश्वनाथ दत्त के लिए यह किसने लिखा है कि दीन दुखियों को दान देना जैसे उनका एक रोग था? महेंद्र नाथ दत्त ने। मनुष्य जीवन कितना दुखपूर्ण है, तू अभी क्या समझेगा? जब समझेगा तब उस दुख से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने के लिए जो लोग नशा करते हैं उन्हें तू दया की दृष्टि से देखने लगेगा। विश्वनाथ दत्त के दान का नशेड़ियों द्वारा दुरुपयोग के संकेत पर विश्वनाथ दत्त ने ये वाक्य किससे कहे थे? स्वामी विवेकानंद से। भुवनेश्वरी देवी ने भी सुमधुर कंड पाया था, कंठ पाया। वह मुख्यतः कौन से गीत गाती थी? कृष्ण यात्रा के गीत। नरेन बाबू ने आज अपनी माँ से ऐसी ऐसी बातें कही हैं और इसके आगे कहे गए कटु शब्द लिख दिए। दीवार पर यह किसने लिखा था? विश्वनाथ दत्त ने। संसार में किस प्रकार का आचरण करना उचित है? इस प्रकार का प्रश्न पुत्र द्वारा पूछने पर विश्वनाथ दत्त ने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित उत्तर दिया। वह उत्तर क्या था? कभी भी किसी विषय में झुकना नहीं। भुवनेश्वरी देवी के नाम से एक मुस्लिम जमींदारी खरीदी गई। मुस्लिम रैयतों ने आकर कहा कि वे अत्यंत गरीब हैं, माल गुजारी नहीं दे सकेंगे। तब भुवनेश्वरी देवी ने क्या कहा? माल गुजारी माफ। बेटा, यदि तुम में से गलती नहीं हुई है तो इससे क्या आता जाता है? फल चाहे जो भी क्यों न हो, जिसे सच समझते हो उसे ही सदैव करते जाना। संभवतः कई बार इसके लिए अनुचित और अप्रिय फल भोगना पड़ेगा, किंतु फिर भी सत्य का कभी त्याग नहीं करना। भूगोल के शिक्षक द्वारा अनुचित दंड देने की बात सुनकर अपने पुत्र से यह बात किसने कही? भुवनेश्वरी देवी ने। अपने ज्ञान के संबंध में